नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, कल से महेश पांडे और विशाल सिंह को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और इस मामले में नए नए खुलासे आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाकर, प्रेशराइज कर और जिस तरीके से टॉर्चर कर तमाम चीज़ें बुलवाई गई है, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और महेश पांडे ने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में उन्होंने तमाम चीज़ें साझा की है। उन्होंने कहा है कि एक लड़की रेडिशन ब्लू होटल बुक करती है, उसमें बुलाती है, जब अंदर ले जाती है तो 15 लोग वहाँ पर शामिल होते हैं और 15 लोग जो हैं वो धमकी देते हैं, साजिश रचते हैं, बकायदा वीडियो बनाते हैं, ज़बरदस्ती दारू पिलवाते हैं, तमाम चीज़ें उगलवाते हैं, बनियान और आपके टी शर्ट्स तक हटवा देते हैं। तो ये कितनी मतलब गंभीर बात है, आप अंदाज़ा लगाइए आगे क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़बरदस्ती चाकू दिखाया जाता है, आपको धमकी दिया जाता है, पिस्टल निकाल के गोली मार दूंगा, इस तरीके की धमकी दी जाती है। और ये मैं नहीं बल्कि जो इस मामले को सामना किया है वो खुद इसकी जानकारी दे रहा है। तीसरी बात है कि उन्होंने मुकदमे की बात कही तो पुलिस ने कहा है कि अगर वो वीडियो हमारे पास होता तो हम उस पर एक्शन लेंगे और तमाम जो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम आगे अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ें हैं। पहला सवाल मैं आपको ये उठाना चाहूँगा, भी जो भी है, कोई भी है, पहला सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है कि गुड़गांव जैसे जिस रेडिशन का नाम लिया जा रहा है, दैट इज आई थिंक 5-स्टार होटल, तो 5-स्टार होटल है वो, और 5-स्टार होटल में किसी एक कमरे में 15 लोग आखिर जुट रहे हैं, तो होटल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, होटल का जो मैनेजमेंट है, वो आखिरकार किस तरीके से मैनेज होता है कि किसी एक होटल के एक कमरे में 15 लोग घुस रहे हों। हाँ, कोई एक इवेंट होता है, कोई एक चीज़ें होती है तो वहाँ पर लॉट ऑफ पीपल वहाँ पर कलेक्ट होते हैं, बट किसी एक होटल में 15 लोगों का इकट्ठा होना ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो फेल्योर है 5-स्टार होटल्स के मैनेजमेंट का, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर चाकू है और चाकू के साथ कहा यह जा रहा है कि पिस्टल कमर में लगाए हुए थे इनका, वो कहना है, और वो धमकी दे रहे थे कि गोली मार देंगे। तो चलो, चाकू तो मैं मानता हूँ कि विशाल सिंह ने भी सफाई दिया इस पर कि वो कुछ खाने वाला होता है, कि वो 5-स्टार होटलों का चोचला होता है, तो हो सकता है कि एक केस के लिए वो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय आप वो गर्दन पर वो चीज़ रख रहे हो जो चीज़ किसी फल को, किसी केक को कट करने के लिए होता है, और उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका विवाद चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप कॉन्स्पिरेसी और साजिश के तहत इस तरीके की रणनीति अपना रहे हो, उस समय इस तरीके का चाकू कंधे पर दिखाना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। और वो शायद धमकाने के लिए हो सकता है, मारने पीटने के लिए तो एक उतना ही काफ़ी होता है भाई। जेल में आप देखते हैं कि लोग क्या क्या रॉड का नुकीला चीज़ बनाकर घोंप देते हैं, मर जाता है आदमी, तिहाड़ जेल का आपको मामला होगा। तो ये एक चीज़ें हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि भाई अगर पिस्टल वगैरह है, इस तरीके की बातें जब सामने आ रही है, तो आखिरकार होटल का सिक्योरिटी क्या है कि वहाँ पर पिस्टल कैसे पहुँच गया एक कमरे में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल अगर है तो। मैं ये नहीं कह सकती होगा ही, अगर है तो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये हो गई कि भाई देखियो, हर चीज़ एविडेंस के तहत है। आप जिस हीरोइन के साथ आए, जिस कमरे में गए, उस कमरे का ही सारा इंसिडेंट बताया जा रहा है। उस कमरे में 15 लोग थे तो वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा रहता है, तो कौन कौन इंटर कर रहा है, 15 लोग हैं वाकई में कि नहीं है, वो सीसीटीवी से तो पता चल जाएगा, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कहा जा रहा है कि वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और अगर वो डेटा को डिलीट भी करते हैं, तो वो डेटा जो है वो एक्सेस हो जाता है, वो जब कानूनी प्रक्रिया में जाता है, जब पुलिस के पास ये सारी चीज़ें जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सेस हो जाता है। तीसरी चीज़ हो गई कि चैट भी डिलीट करवाया गया, तो चैट जब डिलीट करवाया गया तो वो भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। बस देर है तो पुलिस को मुकदमा लिखवाया जाए, जो भी धाराएँ बनती है उस पर एक्शन ठेला जाए और बाकी पुलिस अपना काम कर लेगी। जो भी चीज़ें रियलिटी है, जो भी चीज़ें सच्चाई है, वो आपके सामने फैक्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें महेश पांडे को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं जिनके साथ वीडियो बनाते हैं वो, तो अगर इस पर ऐसा होता है तो एक्शन बढ़ा लिया जा सकता है और विशाल सिंह बुरा फंस सकता है। अब भाई उनका मामला है, वो एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं, मैं एक तरीका बताया, मैं एक फैक्ट बताया, इस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती है।
अगर दिक्कत होता है तो बताइए, हमारे पास एक वकील साहब हैं, मैं आपको उनका रेफरेंस देता हूँ, आप उनसे जो करवाना है वो करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, मैं आपको करवाऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? और इस तरीके की चीज़ें होती है तो क्या पुलिस को बताने के लिए ये सारी चीज़ काफ़ी नहीं है, एक एविडेंस के तौर पर दिखाने के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।